Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं रहना है मुझे जिंदा, नहीं रहना वहाँ, मुझे जिंदा नहीं रहना। मंशा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर मुझे आप नहीं मिल सकते तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी जिंदगी का, क्या करूंगी? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं हो गई हूँ पागल, और मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले भी आप हैं। मंशा, तुम्हारी वन साइडेड मोहब्बत का मैं जिम्मेदार नहीं। उम्मीद के तो जिम्मेदार है ना आप, और जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार क्या मैं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है मंशा? कहा नहीं है, मगर सजा तो मुझे ही मिल रही है ना। कौन दे रहा है तुम्हें सजा? पुप्पो और आप। क्या हुआ शाहब? नहीं कुछ नहीं। सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तुम्हारे घर पे कब्जा हो गया। कब्जा? अरे आ रही हूं, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? अरे वाह दामाद जी, आप ही लोगों का तो इंतजार था। हम यहाँ बैठने नहीं आए। अच्छा क्यों भाई? हम यहाँ पे तुमसे ये कहने आए कि अब सारी बातें यहीं करेंगे क्या? अंदर तो आए, कुछ ठंडा पिलाती हूँ। अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हैं, आए आए। अरे आइए आइए, तशरीफ लाए। अच्छा बताइए क्या पियेंगे, चाय या कुछ ठंडा लेकर आऊं? हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुमने ये घर की हालत को क्या किया है? इस घर की जितनी मालियत है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर बैठी हूं मैं। तो कहा किसने था तुम्हें? अरे किसी के कहने की क्या जरूरत थी, मेरा अपना घर है भाई। अपना घर? हाँ अच्छा लग रहा है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करवाने की? अरे इतना भड़क क्यों रहे हैं दामाद जी? खबरदार जो तुमने मुझे दामाद जी का, मेरा तुम जैसी औरत से कोई रिश्ता नहीं। अच्छा तो फिर आप ही बताइए मैं आपको क्या कहूँ दामाद जी। चलो निकलो यहाँ से, सफा हो जाओ। लगता है तुम्हारे मियाँ को किसी ने तमीज नहीं सिखाई। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चलो निकलो। ये मेरा घर है और यहाँ से मुझे निकालने वाला माइका लाल अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। देखो दिलरुबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, क्योंकि अगर इंसान से ना हो पाए तो खामखा शर्मिंदगी होती। जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी यहाँ से। अच्छा देखो शराफत से यहाँ से गुम हो जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगा। मामू जी, मामू जी, क्या बात है,
जरा आपकी जरूरत पड़ गई है मामू जी। अच्छा कौन है ये लोग और इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अब देखे ना मामू जी, ये लोग घर के अंदर घुस आए हैं और कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाल देंगे। इनकी इतनी हिम्मत? मामू जी ये जरा अलग किस्म के मेहमान है ना। अच्छा पहली बार जो घर आए हैं हमारे, अभी हमें ठीक तरह से जानते नहीं है। मजीद देखना पड़ेगा तुम्हारी इस भतीजी की वजह से। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो उस कदर चालाक निकलेगी। तुम ही तो उसकी मासूमियत की तारीफें करती थी, देख लिया किस कदर मासूम है वो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं उसका। आपने उसके वीजे के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? इतनी जल्दी कहां हो सकता है, दो तीन महीने तो लगेंगे बारी आने में। तुम ये बताओ कि उसकी नानी से बात हुई तुम्हारी? वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? वैसे तो हर वक्त अपनी नवासी की मोहब्बत में मुब्तला रहती हैं। लेकिन इस वक्त ये मुसीबत हमारे कले डाल दी। उन्होंने नहीं डाली है, खुद तुमने अपने सर लिए ये मुसीबत। मैं तो यतीम भतीजी समझ के लिए आई थी। तुम और तुम्हारी हमदर्दियां। कदर खौफनाक औरत है ये। छोड़ूंगा नहीं सर। तूने देखा नहीं था कितने खतरनाक लोग हैं ये? पापा ने पता नहीं क्या सोच के इससे निकाह कर लिया था। समझती क्या ये औरत अपने आप को? इसको तो इसकी औकात मैं याद दिला। ये शहाब तुम कुछ मत कर लेना, तुमने उसके मामू को तो देखा था ना, कितने खतरनाक लोग हैं ये, इनसे तो बच के ही रहना बेहतर है। चाहती क्यों थोड़ी से देख कैसे चुप करके हाथ पे हाथ धरा बैठा रहो। छोड़ दे हम ये घर खामोशी। This is what you want? ये लोग मुझे नहीं जानते। जी कौन? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोग बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं और मेरी वजह से पुलिस वाले भी आप लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं और पप्पू और अंकल भी बहुत परेशान हैं। वो तो है। मैंने सोचा है कि मैं पुलिस को जाके बयान दे दूं कि मैंने वो गोलियां गलती से खाई थी। आर यू सीरियस? यस I'm serious. Mancha, thanks a lot, yeah. It's okay, Wahab. तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम हमें कितनी बड़ी मुश्किल से निजात दे रही हो यार। मैं तो हमेशा से ही आपकी भलाई चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि वो सारी चीजें तुमने गलती से कही होंगी, वरना तुम तो कभी भी ऐसा बयान तो नहीं देती। लेकिन मुझे इसके बदले आपसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? मैं पुलिस को जाके बयान दे दूंगी कि मैंने वो गोलियां गलती से खाई हैं, लेकिन आपको इसके बदले एक वादा करना होगा।
कि आप मुझसे शादी करेंगे। ना आप मुकर तो नहीं जाएंगे अपने वादे से? मैंने सोच के वादा किया तुमसे, मुझे अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक बार फिर सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में। अंशा, तुम्हें जबान दी है, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? एतबार तो बहुत है, बल्कि इस दुनिया में सिर्फ एक आप ही तो हैं जिस पर मैं एतबार करती हूँ। चलो ये तो अच्छी बात, लेकिन तुम फिर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? कर लिया यकीन, और मैं जानती हूँ कि आप ये वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। क्या हो गया, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? कुछ नहीं यार, दिमाग खराब हो। कोई नई बात बता यार। किसी का काम तमाम करवा यार, आजकल हर दूसरे दिन तू किसी ना किसी की जान लेने पे क्यों तुला हुआ है? एक औरत है। फिर से औरत का मसला? पहले पूरी बात सुनेगा? अच्छा बोल। एक घर पर से कब्जा खत्म करवाना। किसका घर है? माया के बाप का। अच्छा, तो वहाँ एक बदमाश औरत घुस गई है। फिर? बस मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कब्जा छुड़वा दो। बस हो जाएगा कब्जा खत्म, कोई और हुक्म? नहीं बस इतना ही, लेकिन इस बार मामला जरा टेढ़ा है। उस औरत के साथ कुछ गुंडे भी रहते हैं, तो कदम संभाल के रखें। फिक्र क्यों करता मेरे यार, तेरे काम के लिए तो जान भी करवा रहा है। समझो, हो गया तुम्हारा काम। वेरी वेल डन। हेलो। हेलो जब्बार, कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सोचा जरा खबर तो ले लूं अपने होने वाले जीजा जी की। अच्छा? सिर्फ अच्छा? अभी तो अच्छा खासा माल समेटना है मैंने आपसे। लेकिन भाई, उसके लिए तो पहले मेरी शादी तो जाने दो। बहुत जल्दी आपको शादी की, हाँ? सो वो तो है। बड़ी खुशकिस्मत है मेरी बहन अमृत। वेल, वो कैसे? अरे आप जैसा शौहर मिल जाएगा उसे। वैसे एक बात बताऊं, मैं उससे भी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे अमृत जैसी बीवी जो मिल जाएगी। वैसे तुम लोगों के यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो गई? जी। क्या क्या तोहफे मिल रहे हैं मुझे मांगने? ये तो मुझे नहीं पता। क्यों, अमृत या अंकल ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे क्या क्या देंगे तोहफे में? नहीं, मुझसे तो उन लोगों ने कभी कोई जिक्र नहीं किया। तो फिर हो सकता है कि वो शादी पे सारे गिफ्ट्स दें मुझे। आफ्टर ऑल अमृत उनकी इकलौती बेटी है।
वैसे एक बात तो बताओ मुझे, अमृत के नाम काफी जायदाद तो होगी। जायदाद? अमृत के नाम तो कोई जायदाद वायदाद नहीं है। क्या? जी, अमृत के नाम पे बस वो एक फ्लैट ही था और कुछ नहीं है। क्यों, अमृत ने आपको कुछ नहीं बताया था? नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मुझे जरा कुछ काम के लिए जाना है। ओके बाय। क्या समझती थी मैं इस लड़की को? खैर अब गुस्सा करने का क्या फायदा। कितनी चालाक निकली, कितनी आसानी से हम सबको ब्लैकमेल कर रही है। मॉम, पहले आपने मुझे उसके साथ फंसा दिया और अब आप शिकायत कर रही हैं। अब वो मेरे साथ इमोशनली अटैच हो रही है और मैं उसको किस तरह धुतकार दूं? बाप ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, अब आप दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे ही बुरा भला कहना शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं इस लड़की से तुम्हारी शादी अब हरगिज नहीं होने दूंगी। मॉम, मैंने अब उसके साथ कमिट कर लिया। भाड़ में डालो सारी कमिटमेंट्स। ये अभी से ऐसी हरकतें कर रही है तो शादी के बाद तो ना जाने क्या क्या करेगी। ये सब तुम्हें मंगनी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें कितना समझाता था मगर तुम्हें समझ नहीं आती थी। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। इसका दिमाग तो मुझे दुरुस्त करना ही पड़ेगा। आप लोग उसको उसके हाल पर छोड़ दें, इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। तो आप ठीक कह रहे हैं। कैसे हो जवार? तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ अमृत? डायलॉग अच्छे बोल रहे हो तुम। ऐसे अमृत, तुम ऐसे हंसती हो ना तो मुझे कुछ हो जाता है। तुमने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है? नहीं, बल्कि मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी थी। बोलो। हम लोगों की बहुत जल्द मंगनी होने वाली है और कुछ अरसे के बाद शादी भी हो जाएगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अंकल ने तुम्हारे नाम कोई जायदाद वगैरह की है? अबू से कभी ये बात नहीं कर सकती। आपके शौहर एक एक चीज उस खबीस आदमी पर लुटाए जा रहे हैं। किस पे? अपने होने वाले दामाद पर। और किस पे? शादी कब है? अभी हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी जल्दी। अच्छा, और तुम्हारी शादी? अभी हुई नहीं,
लेकिन हो जाएगी।